हो गया इसका फाइनल लुक और मेरी कच्ची। पहले वॉशरूम तो जाओ, ये पानी पीने के बहाने से पकौड़ा खाने आए। हमारे यहाँ रमजान से पहले पकौड़ों का आगाज हो चुका है, तो बस शाम है और पकौड़े बन रहे हैं कि भाई पकौड़े खाए जाएंगे आज। तो मैंने सोचा चले भाई आज पकौड़ों पे ही व्लॉग बना लेते हैं, तो बस ये व्लॉग बन रहा है। पकौड़े फ्राई हो रहे हैं जिसके लिए मैंने बैटर पहले से बना के रख लिया है। शामिल किया है प्याज है, धनिया, पुदीना, ज़ीरा, मीठा सोडा, नमक, किसी भी लाल मिर्चें, और इसको जब हमने बना लिया तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए लीव करके रख दिया कि ताकि इसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। मेरे चूल्हे की फ्लेम तेज़ हो गई है, पकौड़े जल जाएंगे। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तैयारियाँ हो चुकी हैं स्टार्ट, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मौसम में भी तब्दीली आ गई है, गर्मी हो गई है, पहले तो फ़ैन ऑफ थे लेकिन अब फ़ैन भी ऑन हो चुके हैं। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। अच्छा पकौड़े तो बन रहे हैं लेकिन साथ के साथ हमारे यहाँ बन रही है खिचड़ी। इसको वैसे तो शायद कुछ लोग दही बड़े कहते हैं, कोई दही फुल्की कहता है, पर हमारे यहाँ इसका नाम है कच्ची कड़ी। और ये हमारे यहाँ रात के खाने में इस्तेमाल होती है। पकौड़े हो गए, इसके अंदर डल के जाएंगे और इसी के साथ साथ जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसमें भंगार लगाऊंगी और ये एक बार पूरा रेडी हो जाए तो फिर ये है कि मैं आपको इसका फाइनल लुक दूंगी। और सब कुछ ठीक ठाक, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। पकौड़ा हाथ में नहीं आ रहा, आ गया। बच्चे ट्यूशन में लेकिन ये बच्चे कभी भी आ जाएंगे पानी वानी पीने, तो मैंने उनके लिए एक एक पकौड़ा उनके हिसाब से रख दिया है। ठीक है, मुझे पता है वो बोलेंगे कि मम्मा आपने हमारे लिए पकौड़े नहीं रखे और आपने खुद ही खा लिए, उम्मीद तो यही है बोलेंगे तो यही। चलें अब मैं इसको कम्प्लीट करती हूँ, उसके भंगार की तैयारी करती हूँ, फिर हम इसको ढक के रख लेते हैं। बाकी के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। मुझे पता था आओगे, क्या करने आए थे वैसे? वॉशरूम। अच्छा पकौड़ा नहीं खाओगे? आके चलो ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी से ट्यूशन से आना पड़ के। तो पहले वॉशरूम तो जाओ, पकौड़े की लालच में बैठे हुए उठो बेटा, जल्दी जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है टाइम। ओ सॉरी मैं। एक और आ गया ट्यूशन से पकौड़ा खाने के लिए, ये पानी पीने के बहाने से पकौड़ा खाने आए। आओ भाई ले लो अपना पकौड़ा, लेकिन चार बार नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैं खाने के लिए, ये बेटा ये डिश बन रही है ना, क्योंकि मैं आपको चार चार पकौड़े अभी दे दूंगी, अब बस रमज़ान आ रहा है उसमें खाना चार चार पकौड़े। अरे बेटा अभी तो सिर्फ वन वन लो यार, दो दे नहीं वन लो। उमर मैं आपका नीचा नहीं दिखा सकती, जल्दी भागो पजामा पहन कर आओ, जल्दी ले लो दो। अच्छा लो तो पहले वन तो लो, चलो एक अपने हिस्से का इसको देना पड़ेगा, चलो लो उठाओ, चलो भागो जल्दी खाओ और जल्दी ट्यूशन जाओ, आपको भी खाना है। ओ जल्दी जाओ ना उमर कमरे में, वन ले लो बेटा, वन ले लो बेटा, वन ले लो, वन ले लो, मुंह पे ऑयल लग जाएगा ना पता चल जाएगा। इस बात पे भी लड़ाई, उमर को तो भी पिटाई लगाते हैं। ये मेरा भंगार रेडी नहीं करने देंगे, कंटिन्यूसली पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। क्या ट्यूशन नहीं जाऊंगी, इसी चिमटे से मारूंगी। तो बच्चे तो जा चुके हैं वापस से ट्यूशन, बच्चों को मैंने भेज दिया है ट्यूशन और बस मेरे पकौड़े भी तकरीबन बन गए थे और मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। ये हमारी बन रही कच्ची कड़ी, फिर से बताऊंगी, शायद लोग कहते हैं दही बड़े, दही फुल्कियाँ और एक्सेट्रा, सबके अपने अपने नाम है, हमारे यहाँ ये है कच्ची कड़ी। और अब सिर्फ मैं भंगार में तेल गर्म हो गया, सिर्फ डाल रही हूँ गोल मिर्चें और हरी मिर्ची डाली है थोड़ी थोड़ी सी, ताकि कि बस हरी मिर्ची की खुशबू आ जाए, मुझे छीटा ना लग जाए। और इसके बाद अंदर से डाली हूँ सफ़ेद ज़ीरा। तो भगार ही कम्प्लीट होने लगा है, ऐसे भगार भी हो गया। मेरा भगार कम्प्लीट, तो ये हो गया इसका फाइनल लुक और मेरी कच्ची कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है।
अब मैं बनाऊंगी रोटियां और हम इसको रात में सर्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह के अमान में। पी एम अल्लाह।